ये LSLRD का प्लांट है। अभी हम आपको ये पूरा सिस्टम को कैसे ऑन करना है वो समझाएंगे और दिखाएंगे। तो दोस्तों सबसे पहले 110 DC को हम ऑन करेंगे। ये देखिए 110 DC ऑन करने के बाद 24 वोल्ट को ऑन करेंगे। 24 वोल्ट जैसे ही ऑन करेंगे सारा इंडिकेशन लाइट जल जाएगा। ये देखिए इंडिकेशन लाइट 24 वोल्ट का जल गया और ये सारा डिस्प्ले का लाइट जल जाता है। अब हम जैसे ही वर्किंग पावर, इसके बाद हम वर्किंग पावर ऑन करेंगे, क्योंकि मेरा अभी सप्लाई इधर वर्किंग की ओर है, इसलिए हम इधर वर्किंग पावर ऑन करेंगे। जब मेरा जनरेटर इधर नहीं रहेगा या तो इंजन नहीं लगा रहेगा, उसमें हम NWP की ओर ऑन करेंगे, मतलब राइट साइड की ओर घुमाएंगे। तो अभी हम लेफ्ट की ओर घुमा रहे हैं वर्किंग पावर ऑन करने के बाद। देखिए वर्किंग पावर, ये कन्वर्टर मेरा जल गया। अब जैसे ही हम बी को ऑन करेंगे मेरा वर्किंग कन्वर्टर भी जल जाएगा। ये देखिए वर्किंग कन्वर्टर भी जल गया और आवाज़ खट से करता है। अब उसके बाद हम कन्वर्टर प्लांट सेलेक्टर स्विच को ऑन करेंगे। इसको हमको दोनों सप्लाई, ये कन्वर्टर ये और बी दोनों को लेना है, इसलिए हम ये इसको, ये बी की ओर है अभी, ये नीचे देखिए ये भी दोनों है, तो ये भी दोनों ने कर दिए। अब कन्वर्टर ये को हम रोटरी ऑन करेंगे, फिर इसी प्रकार कन्वर्टर बी का रोटरी ऑन करेंगे। इसके बाद हम कन्वर्टर ये ऑन सेलेक्टर स्विच को ऑन करेंगे, फिर इसी तरह से बी करेंगे। इसके बाद देखिए मेरा यहाँ कन्वर्टर ये और बी का कन्वर्टर बी ऑन हो गया है। कन्वर्टर ये यहाँ ऑन दिखा रहा है, मेरे HG ऑन का सप्लाई दिखा रहा है, और ये 110 जो वोल्टेज सप्लाई मेरा आता है वो इसका इंडिकेशन है, वो मेरा इंडिकेशन आ गया है सारा। इसका मतलब मेरा 110 प्रॉपर सप्लाई आ गया है। अब जो है सो हमें देखना है कि मेरा सप्लाई कब आता है। मेरा सप्लाई जैसे ही आता है यहाँ 750 वोल्ट मीटर में दिखाएगा, यहाँ पर भी मीटर में दोनों साइड 750 शो करेगा। इसके बाद हम सप्लाई को आगे की ओर बढ़ाएंगे और 1 सेफ्टी लूप को देते हैं। ये देखिए सेफ्टी लूप को ऑन कर रहे हैं। सेफ्टी लूप को ऑन करने के बाद फीडर को देते हैं। एक साइड का मेरा सप्लाई चला गया कन्वर्टर ये की ओर। दूसरी प्रकार फिर दूसरे साइड कन्वर्टर बी की ओर सेफ्टी लूप को ऑन करेंगे, फिर कन्वर्टर बी का फीडर ऑन करेंगे। ये मेरा दोनों साइड सप्लाई प्रॉपर चला गया। तो दोस्तों ये पूरा SLRD का स्टार्ट करने का तरीका है। तो आप लोग इसी विधि से स्टार्ट करें और सावधानी पूर्वक अपना ड्यूटी को निभाएं। देखिए दोस्तों ये मेरा बैटरी चार्जर है, ये कम से कम 115 के आसपास रहना चाहिए, नहीं तो फिर मेरा सारा सिस्टम जो है सो 110 सप्लाई पर ही ऑन होता है। कन्वर्टर का जो सप्लाई ऑन होता है वो सारा, जो भी जितना भी सारा इसका कॉन्टेक्टर लगा हुआ है 110 सिस्टम से काम करता है, तो वो ऑन नहीं होगा। तो उस कंडीशन में हमको चार्जर को, ये बैटरी चार्जर का इंडिकेशन है, और इसको बराबर देखते रहना है कि हमारा बैटरी चार्ज प्रॉपर हो रहा है। और जो कुछ बहुत सारे नए कोचेस आए हुए हैं SLRD का, उसमें कन्वर्टर ये का, ये जो सेलेक्टर स्विच देख रहे हैं कन्वर्टर ये HOD, ये उसका इस साइड भी रहता है NWP, इस साइड भी रहता है कुछ कुछ रोटरी। तो हमको लोग को घबराना नहीं है, उसमें दोनों साइड देख करके हम लोगों को ये ऑन करना है। धन्यवाद। कार इसी प्रकार रेलवे से जुड़े टेक्निकल वीडियो के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और लाइक अवश्य करें, ताकि अगले वीडियो जो हम अपलोड करें आप लोगों को नोटिफिकेशन तुरंत मिले और आप लोग हमारे वीडियो से लाभ ले सकें।